बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल इस वक्त हम मुजफ्फरगढ़ के अमीर के जुराती के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो सियासी बोझ हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में पलटे भी गए हैं और यहाँ पर कांटेदार एक मुकाबला हुआ है और बड़ी ही जो है ये शफाफ इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन में जो कामयाब होने वाले सियासतदान हैं उनमें से NA 184 से यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले नवाब दादा इफ्तिखार खान भी हैं यहाँ पर जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पर जो मुकाबला के बाद जो जीत हुई है तो आज उनके साथ मौजूद हैं, उनके जो साहबजादे उनके साथ भी मौजूद हैं, तो आज उनसे तासरात लेने की कोशिश करें कि जीत के बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि 22 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त हमारे ख़ानदान को दोबारा दी है, खुशी का तो इसमें कोई अंदाज़ा नहीं है और दोस्तों की जो बेपनाह मोहब्बत है वो भी बहुत ज़्यादा और काबिले दीदनी है। आप देख सकते हैं इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरा शहर हमारा इस चीज़ का जश्न मना रहा है और ये सिर्फ ये है कि जो नवाब साहब का नवाब दानिशुल्लाह खान साहब मरहूम उनका जो ताल्लुक़ था इस इलाके के साथ, लोगों ने आज उस चीज़ को दोबारा वोट दिया है और जो मनफी पॉलिटिक्स पिछले 18 साल से जो गलत रिवायात कायम की गई हैं लोगों ने आज उसको रद्द कर दिया है और बड़े मार्जिन से रद्द किया है। आपने देखा होगा कि 21,000 का मार्जिन, इतने हार्श वेदर में, इतने गर्म मौसम में लोगों का इतनी तादाद में आना और अपने हक के रायदेही का इस्तेमाल करना, ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि वो मनफी सियासत के सख्त खिलाफ़ हैं। जो गालम गलोच की सियासत की गई है, जो थाना और पटवारी कल्चर की सियासत की गई उसको ख़त्म किया गया है। इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी तवक्को है कि जो मोहब्बत अवाम की हमारे साथ है इंशाअल्लाह हम उस पर पूरा उतरेंगे। जी खान साहब, जो वोटर्स हैं आपके उन्होंने बहुत ज़्यादा आप पर एतमाद का इजहार किया है क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मौरूसी सियासतदान हैं और बहुत अच्छे से हल्के की खिदमत भी कर रहे हैं, तो जो वोटर्स से जो इलेक्शन से पहले आपके वादे किए गए थे क्या अब भी वो वादे याद हैं जीत के बाद, और क्या उन पर भी जो कोई लाहे अमल बनाया गया है? जी बिल्कुल, हम अब इस इलाके के हैं, वी आर सन ऑफ द सॉइल, हमें बखूबी अंदाज़ा है अपने इलाके के मसाइल का। जब भी हमें मौका मिला है हमने हमेशा डिलीवर किया जी, और इंशाल्लाह इस मरतबा भी गवर्नमेंट्स कोई भी हों हम अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हुए अपनी आवाज़ ज़रूर पहुँचाएँगे। बाकी इंशाल्लाह हम पार्टी पॉलिसी को भी फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल, हमने आपने सुना कि इस बार जो नवाब साहब उनका कहना है कि यहाँ पर जो बहुत अरसे से हम इस हलके की खिदमत भी करते चले आ रहे थे, तो अब अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो हम इस हलके की तामीर व तरक्की के लिए बेहतर इकदाम करेंगे और बेहतर जो है लाहेमल तैयार करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ एम अज़हर अतारी, लाइव न्यूज़ मुजफ्फरगढ़।